कक्षा 9वीं की स्टूडेंट, हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना है। और साथ ही स्टूडेंट, अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है यहाँ पर समाज विज्ञान में, उसका आपको यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर रिविजन करते रहना है, जिससे आपके समाज विज्ञान के पेपर में अच्छे अंक आ सके। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बोल देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले आपके यहाँ पर आता भारत की, ठीक है, पहले तो आपके सही विकल्प आते हैं। तो पहले आपका सही विकल्प आता भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका आपका आवास आता है 82°30' पूर्वी देशांतर। फिर आपका बा आता 82°30' पश्चिमी देशांतर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर सा आता 23°30' उत्तरी अक्षांश और दा आता 23°30' दक्षिणी अक्षांश। तो जो आपके यहाँ पर ये भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा 23°30' उत्तरी अक्षांश। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है, तो इसका आपका आवास आता बलन क्रिया और बा आता भ्रंशीकरण और सा आता ज्वालामुखी क्रिया और दा आता उपरोक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है, तो जो आपके यहाँ पर दबाव उत्पन्न होने के परिणाम है वो आपके यहाँ पर बलन क्रिया भी है और भ्रंशीकरण भी है और ज्वालामुखी क्रिया भी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो आपकी फ्रांस की क्रांति वो कब आरंभ हुई है, तो इसके आपके चार ऑप्शन आते हैं 1780 ईस्वी, बा आता 1890 ईस्वी, फिर आपका सा आता 1789 ईस्वी और दा आता 1960 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा 1789 ईस्वी। फिर आपका चौथा आता है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है हलमार साख्त और आपका बात विलियम कैंसर, फिर आपका सा आता जॉन एवार्ड और दा आता आपका हिडनबर्ग। तो जो आपका यहाँ पर दिया हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक है, चौथे का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है, तो आपका जो यहाँ पर कथन दिया गया लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह बताना किसका कथन है, तो इसका आपका अवसर था अब्राहम लिंकन और बात मिस्टर चर्चिल और साथ इसका ऑप्शन आता प्रोलास्की और दाता प्रो गार्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर छः माता, एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली की संख्या क्या कही जाती है, तो इसका आपका ऑप्शन आता शिशु मृत्यु दर, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन आता मृत्यु दर और साथ आपका यहाँ पर जन्म दर और आपका यहाँ पर दाता जीवन प्रत्याशा। तो जो आपका प्रश्न दिया एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली की संख्या क्या कही जाती है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, महत्वपूर्ण सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो पहला था भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2.2 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 32,08,000, ये आपका पहले यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर दूसरा था लोगों का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर बसना डॉट डॉट कहलाता है, तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवर्सन कहलाता है, ठीक है, प्रवर्सन आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है डॉट डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो आपको यहाँ आपको पुस्तक का नाम बताना जिस पुस्तक को यहाँ पर क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा द स्पेस्ट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द स्पेस्ट ऑफ लॉज, ये आपकी यहाँ पुस्तक रहेगी जिसको यहाँ पर, ठीक है, क्रांति का बाइबल कहा जाता है द स्पेस्ट ऑफ लॉज, तो आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, मानसून शब्द की उत्पत्ति डॉट डॉट भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी, ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो अरबी आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है स्थानांतरित कृषि को डॉट डॉट कृषि भी कहा जाता है, तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, तो झूम आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है, पाँचवीं का आंसर आपका झूम हो जाएगा। फिर छठवां था भारत में राष्ट्रपति कर का डॉट होता है, तो यहाँ भारत में राष्ट्रपति कर का होता है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष आपका रहेगा यहाँ पर छठवें का आंसर। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सहजोड़ी, तो हम आपके यहाँ पर जो सहजोड़ी वो हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो पहली जो आपके यहाँ पर आती है दोआब, तो इसको आपको दो नदियों के बीच का भाग से मैच करना है। जो दूसरी आती है फूलों की बौछार, तो इसको आपको यहाँ पर कहवा से मैच करना है। जो तीसरी आती भारत का संविधान बना, तो जो भारत का संविधान बना था वो आपको 26 नवंबर 1949 से बना था। जो चौथी धारा, तो आपको यहाँ पर धारा को मैच करना, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा
जो 5वीं थी हरित क्रांति की जनक थी, उसको आपको यहाँ पर मैच करना एम एस स्वामीनाथन से। जो छवीं आती है निर्धनता रेखा का मापन, तो इसको आपको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही और वो मैच हो जाती है, आप इसकी इनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपने स्क्रीन शॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके इक्कीस बाक में उत्तर आते हैं। तो पहला तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा नेपाल। ठीक है, नेपाल और भूटान, ये आपका यहाँ पहले का आंसर रहने वाला, तो आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, भारत के अभय तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो भारत के अभय तंत्र को मुख्य रूप से यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन आपका यहाँ पर रहेगा, तीन रहने वाला आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर। जो तीसरा आता है, जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन को यहाँ पर दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दो आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता है, सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को ठीक है कोल खोज के नाम से जाना जाना था, कोल खोज। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं, सामूहिक खेतों को यहाँ पर कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ये आपका यहाँ पर कोल खोज आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो आपको सभी को पता होगा यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो अपना भारत ही है, तो भारत आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। फिर छठवां था, बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो बरसात के मौसम में किसान उगाते हैं ज्वार। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं लिख के, ठीक है, ज्वार और बाजरा। ठीक है, ज्वार बाजरा उगाते हैं, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, और सभी को आपको यहाँ पर राइट आंसर करा जाएंगे, ज्वार बाजरा आपका यहाँ पर छठवें का आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, फिर आपके आते हैं सत का चयन करके लिखिए, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर चौथा था भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये भी सत्य रहेगा। और पाँचवा था लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला। फिर छठवां आता दुधावा राष्ट्रीय पर्व उत्तर प्रदेश में, तो ये भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण सत्वी कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहने वाले हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, और साथ ही स्टूडेंट हम जो प्रश्न आपको बता रहे हैं, आपको इसी पर 100% निर्भर नहीं रहना, आपको अपनी पढ़ाई भी करती रहना। ठीक है, लगातार छठवां था भारत एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन था भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, और फिर आपका आता है सातवां भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन था मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जितने क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर आपका आता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई दो अंतर, फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर नौवां था, और जल्दी से इनके स्क्रीन शॉट आप ले चलिए, नहीं तो आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए, और इनके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। मैग्रो वन की आपको यहाँ पर दो विशेषताएं लिखना है, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में आपको यहाँ पर दो अंतर लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आता है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट करते जाइए। फिर आपका आता है यहाँ पर खूनी रवैया घटना क्या थी, ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता पहला विश्व कब से कब तक लड़ा गया, फिर आपका आता आरक्षित बन किसे कहते हैं, तो आप इनके स्क्रीन शॉट ले चलिए। फिर आता आपका बनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसमें आपका आता वयस्क मताधिकार क्या है, और फिर आपका आता लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आपका यहाँ पर आता संविधान सभा के चार सदस्यों के नाम लिखिए, और फिर आपका आता संसदीय शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है, याद करना है। ठीक है, फिर आपका आता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, और फिर आपका आता हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां शिक्षित बेरोजगारी से आप कैसे समझते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन आता शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। फिर आपका आता मानव संसाधन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन आता वो आता आपका मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। फिर आपका आता कर्क रेखा की भारत की जलवायु में महत्व क्या, कोई दो महत्व लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता भारत को उपमहाद्वीपी संज्ञा क्यों दी जाती है, तीन बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। फिर आपका आता रवि और खरीफ फसल में आपको अंतर बताना है, इसका सेकंड क्वेश्चन आता वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता आपका यहाँ पर राष्ट्रपति
कि कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर इक्कीसवां था भारत में प्रदत्त मौलिक अधिकार को समझाइए। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था भारत में संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए। फिर आपका 22वां था भारत में निरंतरता की क्या परिणाम क्या कारण है लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन था वैश्विक निरंतरता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 23वां जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड का पठार और एक गंगा यमुना का पठार और विंध्याचल का पठार, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र दर्शाना है। फिर आपका था महानदी और नदी कृष्णा यमुना नर्मदा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करा दिए, साथ ही इन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका सॉल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।